हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। आज हम नाइन्थ पार्ट क्रिएट करने वाले हैं कीवे वाइस का। ये एक लॉक बूस है, इसमें देखिए कुछ चैम्फर्स लगी हुई है और सिंपल सा पार्ट है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम टॉप प्लान सिलेक्ट करेंगे। टॉप प्लेन सिलेक्ट करने के बाद सेंटर सर्कल, एक सर्कल क्रिएट करना है हमें, एक और सेंटर यहाँ पे क्रिएट करना है। इसके डायमेंशन हम अप्लाई करेंगे 25 mm और इस सर्कल का डायमीटर रहेगा 14 mm। फीचर में जाना है, एक्सट्रूड बॉस बेस अप्लाई करना है हमें, लाइन कंडीशन मिड प्लेन और इसकी थिकनेस रहेगी या हाइट रहेगी 11 mm। ओके, यहाँ पे चैम्फर अप्लाई करेंगे हम। चैम्फर हमें यहाँ पे 2 mm इस आउटर एज पे अप्लाई करनी है। फिर से यहाँ पे चैम्फर हम अप्लाई करेंगे, इस बार 0.5 इस बॉटम वाली फेस को सिलेक्ट करना है और इस अंदर वाली फेस एज को सिलेक्ट करना है। फ्रंट प्लेन स्केच, यहाँ पे एक होल हम क्रिएट करेंगे, इसका डायमीटर रहेगा 5 mm। फिर से फीचर में जाना है और इस बार एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे। सिंपली यहाँ पे देखिए थ्रू ऑल ऑफ बोथ और ओके करना है, तो ये होल थ्रू होल क्रिएट हो गया है। ये हमारा नाइन्थ पार्ट है जो कि स्क्रू में लगने वाला है। आगे असेंबली हम क्रिएट करेंगे, तब हम इसका लोकेशन कैसे सेट करेंगे उस टाइम हम आपको बताएंगे। अपीयरेंस इसका अप्लाई कर देते हैं। मेटल, स्टील, और ब्रश स्टील आपको यहां पे अप्लाई करना है। तो इस तरह से हमारा ये नाइन्थ पार्ट भी क्रिएट हो गया। इसको भी सेव कर लेते हैं हम। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।